हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साक्षर मदर। आज मैं लाई हूँ प्ले के बच्चों के लिए बुक्स। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि प्ले में मेन फोकस जो है वो एक्टिविटीज़ पे होता है और ओरल सेक्शन पे विशेष ध्यान दिया जाता है। लेकिन फिर भी टेस्ट बुक ज़रूर लगाई जाती हैं और ये जो टेस्ट बुक लगाई जाती हैं वो डिफरेंट स्कूलों में डिफरेंट हो सकती हैं। लेकिन इन टेस्ट बुक का जो एक कंटेंट लेबल होता है वो लगभग सेम ही होता है। कुछ स्कूल अपने यहाँ एक्टिविटी रिलेटेड बुक भी अलग से लगवाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं एक्टिविटी रिलेटेड बुक आपके लिए लाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए देख लेते हैं कि प्ले ग्रुप में कौन कौन सी बुक लगती हैं। तो यहाँ मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 बुक्स हैं जो प्ले के लिए हैं। देखिए ये इंग्लिश की हैं, ये दोनों इंग्लिश की हैं। एक टेस्ट बुक है और एक वर्कशीट जैसी बुक है जिसमें वर्क करेगा बच्चा, लिखना सीखेगा, प्रैक्टिस करेगा। ये जो अल्फ़ाबेट की बुक है इस तरह से है और लास्ट में इसमें ये देखिए इस तरह से पूरा अल्फ़ाबेट दिया हुआ है। यहाँ थोड़ा सा एक्टिविटी वर्क है, यहाँ पार्ट ऑफ द बॉडी, सिक्स फ्रूट नेम, चूँकि बच्चा प्ले का है बहुत ज़्यादा तो याद नहीं कर पाएगा, सिक्स वेजिटेबल नेम, सिक्स एनिमल्स नेम, सिक्स बर्ड्स नेम, इस तरह से यहाँ सिक्स फ्लावर्स नेम और सिक्स कलर्स नेम बच्चों के लिए दिए गए हैं। और इसके साथ यहाँ पे है ये बुक बच्चों की कैपिटल लेटर लिखने के लिए जिस पे बच्चे प्रैक्टिस करेंगे और यहाँ थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज करने के लिए यहाँ दिया गया है। ये इंग्लिश की हो गई। हिंदी में स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण दोनों ही इसमें हैं। देखिए बड़े बड़े पिक्चर दिए हुए हैं, बड़ी बड़ी चित्र दी हुई है जो बहुत ही सुंदर लगता है। लास्ट में यहाँ पे छोटा सा एक्सरसाइज भी दिया गया है। यहाँ पे एक चित्र है और तीन वर्ण हैं जिनमें एक सही और दो गलत है। ट से टमाटर, बच्चा इनको सर्किल करेगा। इसी तरह से यहाँ पे वर्ण दिए हुए हैं और यहाँ पे शब्द दिए हुए हैं। बच्चा भले न पढ़े लेकिन पहचानता है, डमरू बत्तख, ये बत्तख है तो ये इस पर बच्चा इस पर सही का निशान लगाएगा। इसके बाद यहाँ पे चित्र दिए हुए हैं और यहाँ नीचे बॉक्सेस बने हुए हैं जिनमें बच्चा उनसे रिलेटेड वर्णों को लिखता है। और यहाँ है दिए गए अक्षर से पहले का अक्षर लिखें और इसके बाद इसमें है दिए गए अक्षर के बाद का अक्षर लिखें। ये हिंदी की टेस्ट बुक है और इसके साथ ये हिंदी राइटिंग के लिए इस तरह की बुक यहाँ पे दी हुई है जिसमें बच्चा राइटिंग प्रैक्टिस करेगा। तो ये हो गई हिंदी की। इसके बाद ये नंबर बुक है जिसमें बच्चा नंबर की प्रैक्टिस करता है। और देखिए यहाँ पे बीच बीच में जब बच्चा 1 से लेकर 5 तक सीख लेता है उसके बाद छोटा सा एक्टिविटी सेक्शन आ गया। इसके बाद बच्चा जब 10 तक सीख लेता है तो फिर एक एक्टिविटी सेक्शन आ गया। तो इस तरह से बच्चे को थोड़े थोड़े नंबरों को सिखाने के बाद एक्टिविटी सेक्शन दे दिया जा रहा है ताकि बच्चे की अच्छी प्रैक्टिस हो सके, रिवीजन हो सके उनका। तो ये मैथ की बुक थी। और इसके बाद ये बुक है राइम्स की जिसमें इंग्लिश हिंदी दोनों ही राइम्स हैं, छोटे छोटे राइम्स हैं। देखिए 4 लाइन के हैं, वो भी छोटी छोटी लाइनें हैं इसमें। और इसके साथ यहाँ पर हिंदी में राइम शुरू हो जाता है, कविता शुरू हो जाती है। अक्षर को अक्षर से मिलाओ, त को त से मिलाओ, न को न से मिलाओ, छोटी सी एक्सरसाइज दी हुई है। इस तरह से ये कविता और राइम्स दोनों ही हैं इसमें। और ये ड्राइंग की बुक है जो प्ले ग्रुप के बच्चों के लिए है। शेप्स दिए हुए हैं और बड़े बड़े शेप्स दिए हुए हैं ताकि बच्चा बहुत आसानी से इनको कलर कर सके। इस तरह से बच्चों को वैसे भी ड्राइंग करने में बहुत मन लगता है, ज़्यादातर बच्चे ड्राइंग को करना बहुत पसंद करते हैं। इस तरह के शेप इसमें दिए हुए हैं जो बच्चे ईजिली उसे कलर कर सकें। बहुत ज़्यादा वर्क, बहुत ज़्यादा काम प्ले के बच्चों को नहीं दिया गया है।
तो ये मैंने प्ले के लिए, प्ले के बच्चों के लिए 7 बुक्स आपके साथ शेयर की कि इस टाइप के बुक प्ले क्लास में लगाए जाते हैं। आई होप कि इससे आपको हेल्प मिली होगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।